आज मैं हूँ विदुर कुटी में और ये महाभारत सर्किट का ही एक हिस्सा है। महाभारत में विदुर महात्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। उनको नीति निर्देशक कहा गया था, नीतिवान महापुरुष विदुर, महात्मा विदुर। ये उन्हीं की स्थली है विदुर कुटी और आज हम विदुर कुटी में हैं। पहले ये बिल्कुल गंगा के तट पर हुआ करता था। मेरे पीछे अगर आप देखें ये मंदिर दिखाई दे रहा है, इससे लगा हुआ गंगा का प्रवाह था और ये जो सीढ़ियां दिख रही हैं इसके ठीक बगल में ही कपड़े बदलने की जगह थी और उसके अंदर से पानी भी चलता रहता था। ये स्थिति थी और यहीं पर ये कुछ पीछे मकान दिख रहे हैं, समवासियों के निवास के लिए हैं। और जैसा कि महाभारत में भी प्रसंग है कि जो युद्ध काल में विधवाएं हुई थी उनको लेकर यहीं पर आ गए थे, तो यहाँ पर अब भी बहुत सी विधवा महिलाएं निवास करती हैं। उनकी सारा देख रेख की, खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर रहती है प्रशासन की तरफ से, जो यहाँ का मंदिर की कमेटी है उसकी तरफ से। यह है विदुर कुटी का मुख्य द्वार जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, महात्मा बुद्ध की तपोस्थली। और ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जब से इसको पर्यटन विभाग ने टेक ओवर किया है और कुछ इसमें सुधार कार्य किए हैं तो रंग रोगन होकर कुछ ज़्यादा व्यवस्थित सा लग रहा है। ये मंदिर के बाहर का हैंग आउट एरिया, बहुत बड़ा बरामदा और इसके पीछे जो रहने की जगह है ग्राउंड। और ये ग्राउंड जो बना हुआ है ये यहाँ पर कभी गंगा बहती थी इस हिस्से में, और जब से यहाँ बिजनौर का बैराज बना है गंगा यहाँ से दूर हो गई है। और इस ठीक इसी स्थान के नीचे नहाने का स्थान हुआ करता था और कपड़े बदलने की जगह थी और गंगा बिल्कुल सटी हुई थी। कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्था थी कि इस आश्रम से बिल्कुल बाहर निकलते ही आप गंगा से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, नहाने के लिए, पानी लेने के लिए, बिल्कुल गंगा के तट पर ये था। और ये बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, लगभग 35-40 वर्ष पूर्व ये मेरा देखा हुआ था। ये जो गेट जैसा दिख रहा है यहाँ से अंदर जाने की जगह थी और ये एक दीवार जो बनी हुई है ये अलग से बनी हुई है, ये एडिशनल है जो बाद में बनाई गई है और इस हिस्से को बंद कर दिया गया। और ये जो मेहराबदार गेट दिख रहा है ये हॉलो था, यहाँ पर कपड़े बदलने की जगह थी और गंगा यहाँ से बहती थी बिल्कुल सटी हुई। ये बहुत पुराना पीपल का वृक्ष, इसके नीचे मंदिर और ये दीवार जो बाद में बनाई गई है। और यहाँ पर गंगा बहती थी जहाँ अभी हमारा कैमरा मूव कर रहा था। चूंकि उस समय का दृश्य मेरी निगाह में है तो ये मुझे अब बहुत बनावटी लग रहा है। ये जगह थी जहाँ कपड़े बदले जाते थे और इसी तरह इसके पीछे काफ़ी बड़ी जगह जैसी अभी हमने कैमरे में दिखाई, वहाँ पर गंगा अंदर को भी आ जाती थी, नहाने की जगह बनी हुई थी, घाट। हाँ ऐसे ही था, तब यहाँ पे गंगा थी, घाट था, जंजीरें भी पड़ी हुई थी। हाँ, लोग गए थे। और ये सब यहाँ नाव होती थी, नाव बड़ी बड़ी नाव के द्वारा यहाँ व्यापार होता था। और शिव जी के चारों पास गोले पे हैं और जब गंगा जी का जल बढ़ता था तो कुएं में जल अपना बढ़ जाता था, फंस गए लोग। और उधर बैराज बना तो गंगा जी का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब ये पेड़ है इसके संतर बात गंगा जी, अब पहले यही बहती थी, जहाँ ये छोटा सा मंदिर बना है
और इधर ये कपड़े बदलने की जगह बनी हुई थी सीढ़ियों के बगल में। हाँ, उस दीवार थी बड़ी मोटी। हाँ, उसमें जल निकलता था। हाँ, और उधर के दक्षिण में महिला घाट। हाँ, उधर में पुरुष घाट। बिल्कुल गंगा यहीं बहती थी लग के मंदिर। और ये मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति, महाभारत के बहुत सारे प्रसंग को यहाँ दर्शाया गया है, राधा कृष्ण की मूर्ति और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण। ये मंदिर का भाग जहाँ पर बड़ा सा हॉल है और इसके चारों तरफ भी बहुत सारे दृष्टांत को दर्शाया गया है, प्रसंगों को, और उनके बारे में जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं जो महाभारत के समय के कहानी में हमें अलग अलग दिखते हैं, सुनने को मिलते हैं, उनको यहाँ दर्शाया गया है। जिस समय लाक्षाग्रह में उनको जलाने की कोशिश की गई थी उसका भी वर्णन है कि उन्होंने संकेत कर दिया था महात्मा विदुर ने। ये अलग अलग प्रसंगों को दर्शाया गया है महात्मा विदुर। विदुर कुटी के सामने ही उसी से जुड़ा हुआ एक और ये स्थान जो वानप्रस्थ आश्रम के रूप में जाना जाता है, इसकी परिकल्पना ये है कि बहुत से लोग जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, कॉटेजेस बनी हुई हैं, बहुत बार ऐसा होता है अनेक कारणों से कुछ लोग अकेले रह जाते हैं, और ये भी गंगा के तट पर बना हुआ है। विदुर कुटी मंदिर और ये वानप्रस्थ आश्रम दोनों आमने सामने हैं और गंगा के तट पर ही हैं। यहाँ पर भी बगल में गंगा बहती थी जो अब काफ़ी दूर चली गई है। ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी, बड़ी एक हॉल, रीडिंग रूम, लॉन, अभी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छे से उपयोग नहीं हो पा रहा है अनेक कारणों से। अगर कुछ लोग ऐसे जो साधन संपन्न हो आ जाएं, इंटरेस्ट लें, इसमें रुचि लें, इसको कुछ अच्छा करा पाएं और इसको यूज करें तो ये जगह बहुत ही अच्छी हो जाएगी। परिकल्पना बहुत ही अच्छी थी और काफ़ी समय तक मैंने देखा बहुत से लोग जिसमें रिटायर्ड IAS, PCS, IPS अधिकारी थे जो मुझे मिले और वो लोग वहीं रह रहे थे, काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। तो ये एक ऐसा स्थान है जो पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक रुचि के लिहाज से और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छे जीवन काटने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, और इसको डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है।